ओके सो दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज मैकेनाइज्ड फार्मिंग, कि जैसे वो लार्ज स्केल पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सके, जहाँ पे उन्हें सारी क्या हो, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो. सच सोसाइटीज़ आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया. ठीक है, ये बेसिकली ऐसी ये जो सोसाइटी होती है ऐसी कंट्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक द इंडिया वेयर द एग्रीकल्चर सफ़र फ्रॉम द एक्सेसिव सब डिवीजन एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड. जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सब डिवीजन है, जो भी लैंड है उनका बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन भी हो गया, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गया है, जितने भी लैंड है बहुत सब पार्ट्स में हो गए. इसके लिए क्या है कि अगर डिफरेंट फार्मर्स क्या हैं वो एक साथ आके काम करेंगे, ज्वाइन टुगेदर होंगे, तो क्या हुआ, लार्ज फार्मिंग भी होगी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. सो द फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव. ठीक है, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव भी बोलते हैं. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग ऑफ कोऑपरेटिव आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मिंग कोऑपरेटिव का, फर्स्ट वन इज हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द मैकेनाइज फार्मिंग, कि जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना कि वो मैकेनाइज्ड, जहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, वो वैसी फार्मिंग कर सके. प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सीड्स, उनको सीड्स अच्छी मिले, फर्टिलाइजर्स मिले, इरिगेशन की फैसिलिटी मिले, एंड अदर मॉडर्न जो भी टेक्निक्स यूज़ होती है फार्मिंग में वो सारी फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल हो. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीजेंट्स, जो भी पीजेंट्स हैं फार्मर्स हैं उन्हें क्या मिले, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले. सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर कैसे, क्या होता है कि वो लोग प्रोडक्शन करते हैं बट दे ऑलवेज फेस द लॉसेस, कि कुछ भी अगर नेचुरल कैलमिटीज़ आ गई तो वो लॉसेस को फेस करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेशराइज टू डू सुसाइड ऑल्सो. सो इन दैट केस थ्रू द कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इट प्रोवाइड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सो दीज सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय द प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर. ये सोसाइटी बेसिकली इसलिए फॉर्म होती है कि रेसिडेंशियल मतलब हाउसिंग से रिलेटेड एकोमोडेशन भी प्रोवाइड हो जो भी उनके मेंबर्स हैं. दीज सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड. ये सोसाइटी में क्या होता है कि जो बिग लार्ज अमाउंट में प्लॉट लैंड का उसको परचेज कर लिया जाता है, कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन दैट, और उस पर क्या कर दिया जाता है, जैसे लैंड परचेज कर लिया और उस पर बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स बना दिए जाएंगे, एंड सेल दीज फ्लैट्स टू दी इट्स मेंबर्स, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको सोल्ड आउट करें ऑन द इंस्टॉलमेंट एंड द ईजी टर्म्स, और जो भी ईजी टर्म्स के साथ उनको सोल्ड आउट कर दो और इंस्टॉलमेंट के साथ, मतलब जो भी मनी देना है इनको पेड करना है वो एक बार में नहीं करना है, वो इंस्टॉलमेंट में करना है, मतलब स्मॉल पीरियड में ऑफ टाइम में करना है. वो मनी क्या है, स्मॉल डिवीजन हो जाता है, मतलब एक साथ अगर आपका 10 लाख का है तो 10 लाख आपको एक साथ नहीं देना होगा, आपका 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा. सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर फॉर बिल्डिंग हाउसेस. कुछ ऐसी हाउसिंग कोऑपरेटिव होती हैं जो लोन भी प्रोवाइड करती हैं उनके मेंबर्स को फॉर द बिल्डिंग हाउस, हाउस को बिल्ड करने के लिए. दीज सोसाइटी आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में क्या है, ये सारे बहुत ही पॉपुलर हैं. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोवाइडिंग द रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, कि क्या है, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मेंबर्स को प्रोवाइड करो, हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउस एट द लोअर कॉस्ट, और जो भी मेंबर्स हैं उनको हेल्प करो कि वो हाउस को परचेज कर लें एट द लोअर कॉस्ट, प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा. ठीक है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी उनके मेंबर्स को प्रोवाइड करो कि अच्छी रोड हो, पार्क हो वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट्स भी हो, पार्किंग की फैसिलिटी हो कि उनके जो भी 4-व्हीलर 2-व्हीलर है वो अपना पार्क भी कर सके, तो ये सारी भी फैसिलिटी क्या करना है, प्रोवाइड करना है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड दी कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके,
So the next private enterprises is the joint stock company. Okay, so we will study the joint stock company. So the company form of organization is considered to be most suitable for organizing business activity on the large scale. ठीक है, जो भी कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इट इज़ कंसीडर टू बी मोस्ट सुटेबल, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है फॉर दी ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी. जब हमें बिजनेस एक्टिविटी लार्ज स्केल पे करना है, उस कंडीशन पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है मोर प्रिफरबेबल होता है, मतलब लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग द ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. ये क्या है, इसके पास ये एडवांटेज है कि ह्यूज कैपिटल, लार्ज अमाउंट में कैपिटल क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक में, पब्लिक के थ्रू. विथ एडिक्वेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर. क्योंकि यहाँ पे जो भी इनका कैपिटल होता है वो भी लार्ज अमाउंट में ही होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को भी क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली. जो अगर कोई भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा, जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसे बहुत ईजली और स्मूथली क्या करेगा, रन करेगा. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट ऑथर. ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर. नाउ द फर्स्ट वन इज जस्टिस लिंडले. सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज मीट इज मेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ द मैनी पर्सन. ठीक है, ये ऐसा एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे पर्सन हैं, हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, जो अपने मनी को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कॉमन स्टॉक. क्या है, कॉमन स्टॉक में, एंड एम्प्लॉय इट फॉर द कॉमन पर्पस, और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक, उनका क्या है, एक कॉमन पर्पस के लिए वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने, सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज वॉलेंट्री एसोसिएशन. ये क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का, फॉर द प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इंटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. जो भी उनके कैपिटल होते हैं उसको डिफरेंट शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप. जो ओनरशिप है, द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप. ये कंडीशन भी होती है मेंबरशिप की. नेक्स्ट वन इज गिवन बाय द चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, विजिबल भी नहीं है, देख भी नहीं सकते हम, इनटेंजिबल है, वी कांट टच इट, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ द लॉ. और ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, जो भी लॉज हैं उनके ही सामने ये एग्जिस्ट करता है. और ऐसे हम, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको हम लोग कुछ कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं, ना ही हम इसको देख सकते हैं, बट ये क्या है, इट इज़ विजिबल, इट इज़ एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ द लॉ. जो भी लॉ के प्रेजेंस में, लॉ के सामने ही ये क्या है, प्रेजेंस है इसका. ठीक है, सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील. अब ये सारे टर्म्स आपको लग रहे होंगे कि ये सारे क्या हैं, तो ये सारे टर्म्स अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, एंड द कॉमन सील. सो द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो यहाँ पे टर्म आया था उसको हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे. सो अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. जो कंपनी है वो क्या है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है. अ कंपनी कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस इन इट्स ओन नेम. जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को क्या कर सकती है, अपने ओन नेम से कंटिन्यू कर सकती है. इट कैन बाय और सेल असेट्स इन इट्स ओन नेम. वो असेट्स, जो भी असेट्स हैं उसको बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है बाय इट्स ओन नेम, अपने नेम से. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर इन इट्स ओन नेम. वो क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी आउटसाइडर के साथ आ सकती है विद इट्स ओन नेम. द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल. जो कंपनी और इसके जो मेंबर हैं, दे ऑल आर द सेपरेट. ठीक है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है.
जिसको भी अपना कोई असेट को बाय करना है, सेल करना है, आउटसाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, तो उसमें भी कोई भी डिफरेंट काइंड के क्या है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। सो अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी, ठीक है, जो कंपनी है वो कोई एक फिजिकल बॉडी नहीं है, लाइक नेचुरल ह्यूमन बींग, जैसे हम लोग क्या हैं एक फिजिकल हमारी बॉडी है, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी क्या है वो फिजिकल बॉडी उसकी नहीं है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाई द लॉ, लॉ ही इसको, लॉ जो है वही इसको क्या किया, क्रिएट किया है। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेम्बर्स, इसके जो भी ऑपरेशन है वो किसके थ्रू होते हैं, जो भी इसके रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव जो इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेम्बर्स जो इसके मेम्बर्स हैं वही इसको प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नोन जिनको क्या बोलते हैं हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी, जो भी बिजनेस रन होता है वो कंपनी के नेम के साथ ही होता है। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। सो इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है, ये एकदम लीगली क्या है कंपल्सरी है कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका इनका क्या हो रजिस्ट्रेशन हो अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन एकदम लीगली कंपल्सरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस, कि बिना एग्जिस्टेंस बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी क्या है एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। सो अ कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, कंपनी क्या है कंटिन्यूस उसका एग्जिस्टेंस होगा इंडिपेंडेंट ऑफ अ मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स हैं उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी क्या है लॉ के थ्रू क्रिएट होगी एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, और लॉ ही क्या है लॉ के थ्रू ही इसका एंड भी हो सकता है। द डेथ इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई है, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, सो फ्रॉम दैट द कंपनी कांट बी शट डाउन, सो मेंबर्स मे कम मेंबर्स मे गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, मेंबर्स क्या है वो आएंगे मेंबर्स जाएंगे बट कंपनी क्या है वो कंटिन्यू ही रहेगी। द लाइफ ऑफ कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, जो कंपनी की लाइफ है वो कैसे एंड होगी लीगल प्रोसीजर, जो भी लीगल प्रोसीजर है वाइंड अप करने का, उसको शट डाउन करने का, उसी प्रोसीजर लीगल प्रोसीजर के थ्रू ये क्या होगा एंड होगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। सो बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन देयर द बींग एन आर्टिफिशियल द पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन देयर फॉर देयर इज नीड फॉर द कॉमन सील विद इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी, एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बेयर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन, हमने देख लिया कि जो कंपनी है वो कोई भी ह्यूमन बींग नहीं है, आर्टिफिशियल है, इट इज़ क्रिएटेड बाई द लॉ एंड इट कैन बी एंड बाई द लॉ ऑल्सो, तो बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है इट कैन नॉट साइन, कंपनी क्या है साइन नहीं कर सकती है, देयर फॉर देयर इज नीड फॉर द कॉमन सील, अपना हर एक कंपनी का एक कॉमन सील होता है विथ इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन इट, जो नेम उसका मेंशन होगा, जैसे हम अब कोई कंपनी के आर्टिफिशियल है वो तो साइन करेगी नहीं कि ऐसे कोई साइन करिए, तो एक हर एक कंपनी का अपना एक सील होता है, ठीक है, वही सील वहाँ पे स्टैम्प कर दिया जाता है। सो द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनीज आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो भी कंपनी की एक्टिविटी है वो किसके थ्रू होती है ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू होती है, एंड एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कोई भी क्या है कंपनी के बिहाफ में कर रहा है काम, सो एनी वन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज कॉमन सील,
कोई भी कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा है, जैसे उसके जितने भी मेंबर्स हैं, तो मैंने कुछ काम किया, ठीक है, कंपनी के साथ बिहाफ में ही, द यूज़ द कॉमन सीन इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। अब वहाँ पे मेरी साइन नहीं होगी कि मैं अपना निकिता वहाँ पे साइन कर लूँ, नहीं, मैं वहाँ पे क्या करूँगी, कॉमन सील, जो भी उस कंपनी का सील है उसी को ही मैं क्या करूँगी, यूज़ करूँगी इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी। कंपनी कोई एक कंपनी तो कोई पर्सन है नहीं, वो तो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो तो साइन करेगी नहीं, उसके प्लेस पे क्या करना है कि कंपनी का जो भी कॉमन सील है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। एनी डॉक्यूमेंट सच एज एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बेयर द कॉमन सील, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बेयर नहीं कर रहा है कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, वो क्या है, जो भी एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बेयर द कॉमन सील, कोई भी डॉक्यूमेंट जो जिसमें क्या है कॉमन सील नहीं लगा, जैसे कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ, अब उसमें क्या है वो कॉमन सील नहीं है, तो हम ये कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक है, फिर वो क्या है कोई भी कंपनी के बाइंडिंग में नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी क्या कैन नॉट साइन, सो इन प्लेस ऑफ दैट देयर इज कॉमन सील विच वेयर द विथ इट्स नेम विच इज इंग्रेव्ड ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, जो कैपिटल होता है कंपनी का वो शेयर्स में डिवाइड होता है। द शेयर ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर, जो भी कंपनी के शेयर होते हैं वो फ्रीली क्या होता है ट्रांसफ़र होता है इन फ्रॉम दी बाय द शेयर्स बाय द मेंबर्स। सो अ शेयर होल्डर इज फ्री टू विदड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम दी कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर्स, ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर है जो वन हु होल्ड द शेयर्स, सो दे कैन विथड्रॉ हिज मेंबरशिप, वो अपनी मेंबरशिप को क्या है कंपनी से विदड्रॉ भी कर सकते हैं बाय सेलिंग हिज शेयर्स, जितने भी उन्होंने शेयर्स को परचेज किया है कंपनी के उसको वो सोल्ड आउट करके अपनी वो शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं अपनी मेंबरशिप को विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, सो द शेयर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी ईजली ट्रांसफर्ड, जो प्राइवेट शेयर जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के वो क्या होता है वो ईजली ट्रांसफर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल, सो द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाई द शेयर्स होल्डर, जो भी कंपनी फॉर्म होता है बिजनेस का वो कौन कंट्रोल करता है, इट इज़ ओन्ड बाई द शेयर्स होल्डर, शेयर होल्डर उसको ओन करते हैं। दी शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं एक नहीं बहुत सारे वो क्या होते हैं डायरेक्टर्स का जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन, हु आर कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिन्हें डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। द डायरेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज एज वेल एज कंट्रोल करते हैं बाई अपॉइंटिंग द प्रोफेशनल एक्सपर्ट, कि वो डिफरेंट एक्सपर्ट को भी क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं जो क्या करते हैं मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की जो कंपनी के है वो क्या होती है लिमिटेड होती है टू एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, उस एक्सटेंट तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितना उन्होंने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन देयर बिजनेस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज़ परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ वैल्यू 10 रुपीज़ ईच देन हिज लाइबिलिटी इज अप टू 10,000, कि किसी भी पर्सन ने क्या किया 1000 क्या किया शेयर को परचेज किया और हर एक शेयर कितने का था 10 का था तो कितना हो गया, तो वो इंडिविजुअल क्या है बस 10,000 के ही लाइबिलिटी तक लिमिटेड है, उससे ज़्यादा उसके वो लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो देर आर वेरियस एडवांटेजेस एज वेल एज द मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी,
limited liability. The liability of the member of the company is limited to the extent of their share contribution, share capital contribution in the company. कि जो भी liability होती है member की वो limited होती है to the extent of their share capital. जितना उन्होंने contribution किया है company में उतने ही तक ही उनका क्या होता है liability limited होती है. The limited liability attracts many people to invest their money. जो limited liability होती है उसका क्या है वो अट्रैक्ट करता है डिफरेंट अदर इन्वेस्टर्स को कि वो भी अपना मनी को इन्वेस्ट करें इन दी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में. एज इन केस ऑफ लॉस द क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स. कि अगर लॉस की कंडीशन हो जाएगी तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो क्या है वो पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्या है क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. सो द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी ईजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट. जो भी कंपनी के शेयर होते हैं वो क्या है ईजिली बॉट भी और सोल्ड होते हैं मार्केट में. इफ द ओनर ऑफ द शेयर इज इन नीड ऑफ द कैश. अगर जो भी शेयर्स है उसका कोई ओनर है फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी उसका कोई शेयर है शेयर्स है तो उसका अगर उसका ओनर रतन टाटा अगर ये चाह रहे हैं कि वो अपने सारे शेयर्स को सोल्ड आउट करके उनको मनी की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकते हैं अपने शेयर्स को सोल्ड भी कर सकते हैं एंड देन ईजली ही कैन गेट कैश. ठीक है. तो इफ द ओनर ऑफ द शेयर इज़ इन नीड ऑफ कैश. अगर जो ओनर है शेयर्स के उसको नीड है कैश की तो ही कैन ईजली सेल द शेयर्स. वो अपने शेयर्स को क्या कर सकता है ईजली शेयर सेल कर सकता है एंड गेट कैश कैश ले सकता है. द ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जो ईजी ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स का जो ट्रांसफ़र हम कर ले रहे हैं शेयर्स को ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी आती है. लिक्विडिटी मीन्स कि विच इज़ ईजली टर्न इन टू द कैश. जो कैश में ईजली क्या है टर्न हो सकता है. सो एट एनी टाइम द शेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश. ठीक है. किसी भी टाइम जो शेयर के इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड द सेम अमाउंट कैन बी यूज टू बाई द शेयर ऑफ द अदर कंपनी. और वही अमाउंट क्या है कोई भी इन्वेस्टर क्या कर सकता है किसी और कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए बाई करने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. सो द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन. जो कंपनी फॉर्म है वो परपेचुअल सक्सेशन को भी इंजॉय करती है एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस. इनका क्या है सेपरेट एग्जिस्टेंस है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉ. ये क्या है लॉ के थ्रू फॉर्म होती है एंड कैन एंड बाय द लीगल प्रोसीजर ऑफ द बाइंडिंग अप ओनली. और ये कैसे एंड हो सकती है बाय द लीगल प्रोसीजर. लीगल प्रोसीजर के ही थ्रू हम इसको एंड भी कर सकते हैं. The death, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of the company. अगर किसी भी death हो गई है member की या insolvency है या incapacity है तो उसकी वजह से business form joint stock company कभी भी end नहीं होगी. ठीक है. वो start भी law के through हुई थी और end भी क्या है legal procedure के through ही end होगी. Next one is growth and expansion. In company form of business, there is more scope for growth and expansion. जो भी company form of business होता है इसमें क्या होता है ज़्यादा scope है growth और expansion का. कि company क्या है business क्या है ज़्यादा growth भी है उसका expansion भी हो सकता है. The company has large financial resources and their rate of profit is also high. जो company है उसके large financial resources हैं ज़्यादा resources हैं और जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो भी हाई होता है. दे कैन ईजली यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एक्रूड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट. ठीक है. रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है रिटेन्ड प्रॉफिट होता है जैसे कोई भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो वो जितना भी उसके क्रेडिटर से पैसा ली जहाँ जहाँ उसको पैसा पेड करना था वो कर दिया उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट. सो दे कैन ईजली यूज लार्ज अमाउंट ऑफ तो कंपनी क्या करती है अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जो भी रिटेन्ड प्रॉफिट है वो उसको यूज़ करती है फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट. सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड एज इट्स डिस्पोजल.
जो कंपनी का फॉर्म बिजनेस है उसमें क्या ह्यूज फंड की नीड होती है। इट कैन ईजली अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू परफॉर्म मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या है, ह्यूज फंड ऑलरेडी होता है तो दे कैन ऑल्सो अफोर्ड, वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट को कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो उनको हायर कर सके प्रोफेशनल को। द एक्सपर्ट एंड द स्पेशलाइज पीपल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द वर्किंग ऑफ द कंपनी। जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशलाइज पीपल हैं, वो क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क कंपनी की वर्किंग और एफिशिएंसी दोनों को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो बिगेस्ट एडवांटेज है कंपनी फॉर्म का ये है कि वो लोग लार्ज अमाउंट में कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं बाई इशूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कि जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को कलेक्ट करते हैं। द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग कैन ऑल्सो बाय द शेयर ऑफ द कंपनी। जो पीपल हैं जिनकी सेविंग क्या है, स्मॉल है, वो भी क्या है, कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ वेरी स्मॉल। जो वैल्यू है शेयर की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। अपार्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल द कंपनी कैन कलेक्ट फंड बाई रेजिंग लोन्स। शेयर कैपिटल से जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, फंड को भी कलेक्ट कर सकती है बाई द रेजिंग लोन। लोन को कहाँ से रेज करेगी, फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक से हो सकती है, तो वहाँ से क्या है वो लोन को भी रेज कर सकती है। एंड बाई इशू ऑफ डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़ को इशू करके जो भी कंपनी है वो लोन भी ले सकती है। इसलिए इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होती है। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दी डीमेरिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ दी कंपनी। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी इन दी फॉर्मेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। जो फॉर्मेशन है कंपनी का उसमें क्या है, बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कम्प्लीटेड, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करना पड़ता है। मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर भी करना पड़ता है एंड देन ऑल्सो सबमिट। वेरियस परमिशन हैव टू बी ऑब्टेन्ड, बहुत सारी परमिशन भी लेनी पड़ती है। टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट्स आर हायर, इन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एक्सपर्ट है उनको हायर किया जाता है। हु चार्जेस हाई फीस, जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड टू दी रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रेशन भी अगर कोई कंपनी करा रही है वो भी क्या है, एकदम मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट में 1956 के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी क्या है, पेमेंट रजिस्ट्रार को भी पेमेंट करना पड़ता है फीस एज अ फीस। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। सो एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग द कंपनी इज रिक्वायर टू प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कि कंपनी को क्या है, इज रिक्वायर कि वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। कि जो भी ऑफिस है रजिस्ट्रार का उसको सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो, और वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, जनरल पब्लिक को भी मिल जाती है। सो इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी। इसलिए क्या हो जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि वो अपनी सीक्रेसी को मेंटेन किए अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। जो भी इनके ऑपरेशन की जो भी डिफरेंट वे है कि वो कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है वो कंपनी जनरल पब्लिक के साथ शेयर हो जाता है, तो उनकी जो सीक्रेसी है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। सो कंपनी इज नॉट मैनेज बाय द ओनर्स बट इट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। जो कंपनी है इट इज़ नॉट मैनेज बाय द ओनर्स, उसको ओनर्स उसको मैनेज नहीं करते, इट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स मैनेजर। इसको प्रोफेशनल मैनेजर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। दीज मैनेजर गेट सैलरी फॉर देयर सर्विसेज, ये जो मैनेजर है वो क्या है, सैलरी लेते हैं अपनी सारी सर्विसेज के लिए। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड द रिवॉर्ड। अब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एफर्ट एंड रिवॉर्ड में, क्योंकि एफर्ट कौन कर रहा है, डिफरेंट मैनेजर्स कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, ओनर को हो रहा है।
तो एफर्ट और रिवॉर्ड में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि पूरी मेहनत, पूरा लेबर, पूरी वो कौन कर रहा है, अब मैनेजर्स कर रहे हैं डिफरेंट, और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कौन कर रहा है, रिवॉर्ड कौन ले रहा है, ओनर ले रहा है. सो द इंक्रीज इन द कंपनी प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द मैनेजर. कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो डजंट मीन कि जो मैनेजर हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी. हेंस देर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू परफॉर्म एफिशियंटली. तो ये क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी और इनकम नहीं मिलेगी तो वो क्या होते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. एंड देर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या अभी लैकनेस होता है, एंड दी इंसेंटिव्स टू परफॉर्म एफिशिएंटली, कि उनको प्रॉपरली इंसेंटिव्स भी नहीं मिलते हैं कि अगर वो एफिशिएंटली वर्क किए हैं तो उन्हें प्रॉपरली क्या उनको इंसेंटिव्स भी मिले.